दोस्तों पोको F2 जो कि फाइनली एक फ्लैगशिप किलर फोन होने वाला है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि फ्लैगशिप किलर फोन तो OnePlus बनाता था, यहाँ पे OnePlus की तरफ से फ्लैगशिप किलर फोन आने बंद हो गए, उन्होंने अपने फोन महंगे कर दिए, तो फ्लैगशिप किलर इस बार आपको मिलेगा Xiaomi की तरफ से। जैसे पिछली बार आया था पोको F1, इस बार आएगा पोको F2 और भी बेहतर फीचर्स के साथ और इंप्रूवमेंट के साथ, जिसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये फोन काफी बढ़िया होने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पोको F2 के लिए। अगर आप भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए, साथ ही साथ लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी इस फोन की अनबॉक्सिंग हम करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पोको F2 के बारे में, जिसके बारे में काफी कुछ लीक्स यहाँ पे आ गई है और कुछ लीक्स तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है। पोको F2 के अंदर आपको ग्लास बैक मिलने वाला है और ये सिर्फ ग्लास बैक नहीं है, ये गोरिल्ला ग्लास 5 बैक है। अब यहाँ पे आपको किस तरह का डिजाइन मिलेगा वो तो पता चलेगा, लेकिन ऑरा डिजाइन से इंस्पायर्ड ही कुछ मिलेगा, यानी कि ग्रेडिएंट बैक के साथ पोको F2 आपको मिलने वाला है, वो भी ग्लास बैक, प्लास्टिक बैक नहीं, यानी कि बिल्ड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। और ना सिर्फ यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव हुई है, अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे 6.4 इंच का मिनिमम डिस्प्ले साइज आपको मिलेगा और वो भी 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ, क्योंकि फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाएगा आपको पोको F2 में। और फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा तो फ्रंट कैमरा कहाँ जाएगा, फ्रंट कैमरा बन जाएगा पॉपअप सेल्फी कैमरा। जी हाँ, पहली बार यहाँ पे Xiaomi के इस फोन के अंदर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा। अगेन ये सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का नहीं होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि भाई यहाँ पे कैमरा के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले Xiaomi, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी हो सकता है। अब मेरे हिसाब से तो 32 मेगापिक्सल का तो होना ही चाहिए अगर पॉपअप सेल्फी कैमरा दे रहे हैं तो, और ऐसा अगर हो जाएगा तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे रियर कैमरा की, तो कैमरा वाइज इतना ज्यादा फोकस नहीं है पोको का पोको F2 पे, क्योंकि अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोको सीरीज के डिवाइसेस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइसेस, इसमें प्रोसेसर, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रियर कैमरा आपको 48+5 मेगापिक्सल वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा, जैसा आपको Redmi Note 7 Pro में मिलता है, तो कैमरा कुछ वैसा रहेगा। अगर हम बात करें डिस्प्ले के प्रोटेक्शन की, तो पोको F2 में डिस्प्ले के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलेगा, तो डिस्प्ले पे इंप्रूवमेंट है, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट है और ओवरऑल फीचर वाइज भी यहाँ पे ये फोन बेहतर हो गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे UI की, तो Mi UI 11 आपको मिल सकता है Android 9.5 बेस्ड, तो यहाँ पे अगस्त में फोन लॉन्च होगा और तब तक Mi UI 11 आ जाएगा, तो ऐसे में यहाँ पे Android 9.5 के साथ Mi UI 11 लेटेस्ट वाला UI मिलेगा। यही फोन Redmi Pro 2 के नाम से चाइना में लॉन्च होगा पहले और फिर आ जाएगा ये इंडिया में Poco F2 बनके। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होने वाला है इस फ्लैगशिप फोन का लॉन्च। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पे Snapdragon 855 टॉप नॉच वाला प्रोसेसर मिलने वाला है और रैम के हिसाब से देखा जाए तो 6GB रैम वर्जन इस फोन का आएगा और इसकी प्राइस होगी 21,999। तो 21,999 में आपको पोको F2 मिलेगा Snapdragon 855 के साथ, इतनी बढ़िया प्राइस है, यानी कि इस प्राइस पे अगर ये पोको F2 आता है तो डेफिनेटली ये फ्लैगशिप किलर कहलाने लायक है, क्योंकि यहाँ पे OnePlus के फोन तो महंगे हो गए हैं तो उनको अब फ्लैगशिप किलर हम बोल नहीं सकते, उन्होंने फ्लैगशिप किलर बनाने बंद कर दिए, उनके फोन इतने महंगे हो चुके हैं कि वो फ्लैगशिप बन चुके हैं। अब जिन लोगों को कम पैसे में बढ़िया हार्डवेयर चाहिए, अब वो पोको की तरफ देख सकते हैं OnePlus की बजाय। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 4000mAh की बैटरी तो मिलेगी, साथ साथ क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट भी मिलेगा और सब कुछ सही रहा तो पैकेज के अंदर भी आपको फास्ट चार्जर मिल जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पे सुनने में आया है कि Xiaomi इस बार फाइनली पोको F2 के पैकेज में आपको फास्ट चार्जर भी दे देगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 960fps की स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी आपको पोको F2 में मिल जाएगी, साथ साथ 4K रेजोल्यूशन पे भी आप वीडियो बना पाएंगे, नाइटस्केप मोड भी मिलेगा और Mi UI के अंदर कुछ और नए फीचर्स भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे Mi UI 11 लेटेस्ट वर्जन ऑफ Mi UI आपको इस फोन में मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो पोको F2 की यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं वो है यहाँ पे फुल व्यू डिस्प्ले, पॉपअप सेल्फी कैमरा, 4000mAh बैटरी, Snapdragon 855 और ओवरऑल ये फोन पहला फोन होगा Mi UI 11 के साथ इंडिया में लॉन्च होने वाला और ये एक तरह से फ्लैगशिप फोन होगा जो कि पोको सीरीज के अंदर आएगा। तो देखते हैं कि भाई किस प्राइस पे लॉन्च होता है। यहाँ पे प्राइस जो मेरे हिसाब से है वो 21,999 है। अगर उस प्राइस पे ये फोन आता है तो Snapdragon 855 के साथ ये बहुत ही रॉकिंग फोन हो जाएगा और इस फोन को डेफिनेटली मैं अलग से भी खरीदूंगा रिव्यू यूनिट के अलावा भी, ताकि आप लोगों को मैं गिव अवे कर पाऊं। तो ये थी सारी डिटेल्स पोको F2 की। आप लोग बताइए कि आपको कैसा लग रहा है फोन, क्या आप इस फोन का वेट कर रहे हैं, और अगर आप इस फोन के बारे में और जानना चाहते हैं तो लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सारी क्वेरीज। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और वीडियोस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।